प्रश्न है स्कॉलरशिप पर वीडियो ऑल कैटेगरी सर। हाँ जी मैं वो बाद में बना दूंगा, अभी इनकी ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सर। एमएससी रिजल्ट कब आएगा बनारस देवी यूनिवर्सिटी, ये भी कंफर्म कर दूंगा। ये डिपेंड करता है कौन सी एमएससी आप कर रहे हो, उस ब्रांच के अनुसार है। तो नेक्स्ट है सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपको डॉक्टर राजेंद्र सिंह का नंबर दिया गया है 9872978981 है ना, उस पर आप कर सकते हो बात, वो गाइड कर देंगे। अगर मेरे से भी बात आप उस पर कर लीजिए, आपको जरूरत होगी तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा। अच्छा मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है। रवनीत मैडम है, देखिए ये एक अपनी 75th जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर दो वीडियो बनाई थी, वो आपने शायद देखी नहीं। मुझे इच्छा थी कि देखनी चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ को और देश को आपने क्रिटिकली थिंक करके देखना चाहिए, क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अगर आप अच्छे सिटीजन नहीं बनते तो फायदा नहीं है। आपने तो टीचर बनना है, दैट इज वाई जो वीडियो था। और इसका मैंने क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था कि चार ऑप्शन दिए, अगर आपका बर्थ होने वाला है तो ये वाली है वीडियो, नहीं वीडियो देखनी कोई बात नहीं। अगर आपका बर्थ होने वाला है, गॉड आपको कह रहा है, चार कंट्री है, ऑप्शन देता है, आप किस कंट्री को ऑप्ट करोगे कि यहाँ मेरा बर्थ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था लेकिन जवाब नहीं है। रवनीत मैडम का एक जवाब है, ए ही चूज किया है, थैंक यू। नेक्स्ट है सर आपकी गाइडलाइंस बिल्कुल सही है, प्लीज आप सीटेट और पीटेट की तैयारी करवा दो। हाँ मैं पीटेट सीटेट की तैयारी करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा। सीटेट दिसंबर में है, उसके लिए मैं इन डेप्थ से ज्यादा चले जाता हूँ, कभी कोई कंसेप्ट पढ़ना हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा। लेकिन मुझे कुछ प्रेजेंटेशंस, ये मॉड्यूल्स तैयार करने होंगे आपके, वो मॉड्यूल की वीडियो बनाऊंगा, डायरेक्ट आप देख सकते हो, और उसके बाद ऑनलाइन साथ साथ में क्लासिंग कोचिंग वो सारा कुछ चलेगा। एक और बात है कि आप जो ये बीएड वाले एडमिशन हो रही है, क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप एडमिशन के बाद अगर एडमिशन हो जाती है अभी आपकी, तो सीटेट की डेट आ चुकी है, अभी फॉर्म आए नहीं है, इट मींस आप वो सीटेट फिल कर सकते हो। तो नेचुरली है क्योंकि आपने बीएड का कुछ पढ़ा नहीं है, तो साथ में आपको गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस अवेलेबल है जैसी चाहोगे। हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए होगा कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशन बनाऊं, अगर नहीं है तो फिर बोर्ड का प्रयोग करके तेज तेज भी करवा दूंगा। जैसे मुझे सबसे बढ़िया आपकी चीज चाहिए क्या, आप क्वेश्चनिंग करो, ये क्वेश्चन मुझे गाइड करते हैं, आपकी थिंकिंग मेरे तक इनके जरिए पहुंचती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी यही है ना। सो ये जो इंद्र ने कहा है कि पीटेट और सीटेट की तैयारी करना, दोनों ही दिसंबर में होंगे, दोनों में आप अपियर हो सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, ये भी पता करके बताऊंगा, बना दूंगा। सर मैं बीएससी, क्या स्टेप्स हैं उसमें, क्या मिलता है प्लीज। मोस्टली तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, ये तो ऑनलाइन चल रहा है, चंडीगढ़ का अभी पता कर दूंगा मैं। काजल जी है, सर मैं बीएससी मेडिकल जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जनरल इंग्लिश पंजाबी है, तो कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही रहेंगे। आपके पास दो साइंसेस हैं, बेस्ट है कि आप केमिस्ट्री और बॉटनी के, ये आप साइंस और लाइफ साइंस आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको इंग्लिश या पंजाबी क्यों नहीं कहा, क्योंकि इंग्लिश या पंजाबी के लिए आपको इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव पंजाबी के 3 साल के, जो 1 महीने में हो जाते हैं बेशक 3 साल के, लेकिन वेट करना पड़ेगा ना कब होता है, सिस्टम कब अलाउ करता है, 6 महीने बाद 1 साल बाद, तो इलेक्टिव पंजाबी के, इलेक्टिव इंग्लिश के एडिशनल देने पड़ेंगे, उसके बाद एलिजिबल होंगे। ये बेस्ट मैंने क्यों कहा कि साइंस आप एलिजिबल हो, साइंस पेडागोजी ऑफ साइंस 2 साल बीएड को 2024 में आ गए आप, हो गए बीएड, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब। और लाइफ साइंस के लिए आप बेशक एलिजिबल नहीं हो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई, ठीक है, क्योंकि आपका साइंस स्ट्रीम है। अगर आप लाइफ साइंस को लाइक करते हो, टीचर इसके बनना चाहते हो, तो ये फर्स्ट रैंक है। अगर आप लाइक नहीं करते तो ये रैंक शिफ्ट होके इधर को चला जाएगा। अच्छा आप फिजिकल साइंस भी ले सकते हो, साइंस एंड फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री की जगह साथ में ना फिजिकल साइंस मिल जाएगी। सो सेकेंड ये हो गया, अगर आपका लाइफ साइंस में कम इंटरेस्ट है, फिजिकल साइंस में ज्यादा है, तो आप सेकेंड, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। अगर इनमें कोई नहीं है, आप ये चाहते हो यार मैं लैंग्वेज की तरह शिफ्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो दे रही है लेकिन अब सिस्टम भी देने लगा है, नॉर्मल लोग कर भी जाते हैं,
तो आप चूज करना होगा, आपका इंग्लिश आपको प्रेफर करते हैं या पंजाबी को करते हैं, वट एवर लैंग्वेज यू लाइक। तो बाद में बेशक उसका इलेक्टिव अगर देना पड़ेगा, ये नॉलेज मेरी तरफ से देनी जरूरी थी। तो ये आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, साइंस लाइफ साइंस फर्स्ट, लाइफ फिजिकल साइंस ये भी फर्स्ट है, दोनों फर्स्ट है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। ऐसे सेकेंड कौन सा है मेरी तरफ से, लाइफ साइंस इंग्लिश, साइंस पंजाबी, दोनों दूसरे क्यों है कि आप लाइफ इस लाइफ। कास्ट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर जनरल कैटेगरी, नो नो नो, फिर भी इसकी जानकारी जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होंगे ना। सर मैंने 12th पीसीएम, पीसीएम मेरे ख्याल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है और ग्रेजुएशन आर्ट से की है। हाँ आप 10+2 कुछ नहीं देखा जाएगा, इसको क्रॉस कर दो, ग्रेजुएशन देखी जाएगी, आर्ट्स है। तो आर्ट्स में आपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं आपको ये बताना है मुझे, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपके बेस्ट सब्जेक्ट्स जो है कॉम्बिनेशन कौन से हैं। आर्ट्स से की है, मैं बीएड कैसे करूं, कर सकते हो आप, कर सकते हो आप, सब्जेक्ट बताइए मैं एलिजिबिलिटी बता दूंगा आपको, मार्क्स बता दीजिए। ओके लर्न टू एक्चुअलाइज मतलब, अच्छा ये पूछा है आपने, थैंक यू पंकज शर्मा जी, आपने ये पूछा है कि लर्न टू एक्चुअलाइज का मतलब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ब्लेसिंग, वेरी गुड। इसका मतलब एक छोटे से वीडियो में बताऊंगा हाँ, क्योंकि मेरे अंदर क्या था, मैंने ये ही क्यों रखा है ना, थैंक यू। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर साइंस स्ट्रीम, अच्छा ये तो ये भैया, सर प्लीज प्राइवेट बेस्ट कॉलेज बता दो अंडर GNDU साइंस मैथ कॉम्बिनेशन है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया भाई, आपका एरिया कौन सा है ये बताना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, आप 98729 पर जो नंबर दिया गया है ना नीचे, इसके वीडियो पर भी दिया होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह उनसे बात कर लीजिए, आपको एरिया के मुताबिक बताएंगे। यहाँ फिर सारे मतलब इतनी बढ़िया लिस्ट, लर्न करना चाहते हो तो आप एरिया बताइए, ठीक है, इनसे बात कर लीजिए, फिर हर एरिया में दो तीन क्वेश्चन, मतलब आपने तो इतना क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया ना, बेस्ट कॉलेज बता दिए, बेस्ट कैसे गिनता हूं मैं, जहां लर्निंग है देखिए, ठीक है, यहां पीटेट सीटेट के साथ साथ में तैयारी, मेरे स्टूडेंट्स हर साल, आप मानोगे नहीं, जब वो पीटर सीटेट देते हैं ना एग्जाम, तो वो कहते हैं कि सर आपकी बातों से पेपर दे दिया। अब मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा कि इतने क्लियर हो गए, इतने क्लियर हो गए, तो मतलब फर्क पड़ता है ना, मैं ऐसे नहीं कि मैं ये कर लूंगा, ऐसे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, आप अटेंड करोगे तो लर्न करोगे। हाँ सेंट्रल क्योंकि पता चल गया है, मैं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बड़े बनाए हैं, दैट इज व्हाई ये आपको फायदा होता है। तो बेस्ट कॉलेज क्या है, जहां लर्निंग है, आपको टीचिंग स्किल्स अच्छी सिखाई जाती हैं, अच्छा पीटेट सीटेट की तैयारी होती है, फिर अगर नहीं है तो प्लेसमेंट आपकी कर देते हैं किसी स्कूल में से, है ना। तो अगला क्या है कि स्ट्रेस लेवल जो है वो मैनेज्ड है, मॉडरेट स्ट्रेस लेवल है, दो तरह का है ना, हाई स्ट्रेस वो भी बहुत गलत है और लो स्ट्रेस भी बहुत गलत होता है, लर्निंग नहीं होती है ना। तो गाइडेंस मिल रही है साथ में, ये करना है कैसे करना है, अच्छा हरासमेंट तो नहीं की जाती है ना, तो बेस्ट कॉलेज ऐसे है। दूसरा बेस्ट फीस हो सकती है, फीस आप, लेकिन फीस मायने नहीं रखती, इसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि अच्छे कॉलेज ने, क्योंकि टीचर एजुकेटर यूजीसी नेट क्लियर रखने हैं, उनकी फीस रिलेटिवली ज्यादा होगी, तो इस साल उन्हीं कॉलेज में को प्रेफर कीजिए। तो दैट इज वाई बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू दीज नॉर्म्स गाइडेंस आपको बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा कि एक 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 जने ने ये कहा था कि 35,000 भी कई कॉलेज चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट, ये देख लीजिए 35,000 सेम का, ठीक है। तो मैंने कितनी बताई थी रेंज, मैंने 25 नॉर्मल बताई थी, 26 कर लो इसको है ना, 27 कर लो, फर्स्ट सेम में 1-2 हजार ज्यादा होती है, ये भी बात है, ये बात याद रखनी है, उस फीस वाले में नहीं बताया होगा। तो मतलब 1,05,000 तक आप समझ लो नॉर्मल इतनी चल रही है, तो 35,000 से तो ये मैनेजमेंट कोटा भी हो सकती है, गलती भी लग सकती है, मैनेजमेंट कोटा में आपने टेस्ट नहीं दिया, मैनेजमेंट कोटा में जा रहे हो तो फीस ज्यादा ले सकते हैं, उनको राइट है, आपकी गलती है। सर आपकी वीडियो का स्कॉलरशिप मे के वीडियो ऑन स्कॉलरशिप बीएड फॉर एससी बीसी और जनरल स्टूडेंट, हाँ मैं बना दूंगा, ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके बना दूंगा। सर कहना है
डू एम ए प्राइवेट इन तबला विद बी एड माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इन म्यूजिक इन इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रिक पंजाबी एंड फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो डन माई एडिशनल एग्जामिनेशन इन तबला। सर ऐसे है ना कि आपको अभी एक वीडियो निकाला है जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स शुरू किया है कि वो दो कोर्स एक वक्त कर सकते हो। काइंडली नीचे लिंक दिया गया होगा, आप वो वीडियो देख लीजिए और अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है वहां से इंक्वायरी का नंबर, यहाँ पर इंक्वायरी का नंबर नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। एक्चुअली नंबर इसलिए नहीं देता मैं क्योंकि यूट्यूब वाले उसको क्राइम समझते हैं अगर किसी का पर्सनल नंबर और ये डिस्कस करते हैं ना, ईमेल दे देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप क्रिमिनल हो। मुझे फिर क्रिमिनल कहा एक बार, मैंने ऐसे एग्जांपल दे दी थी कि फॉर्म फिल करा था, तो दैट इज व्हाई। ओके सर ये कहना है, हाँ तो फिर वो आप इंक्वायरी से बाद में पता कर लीजिए। आप या तो यहाँ बीए बताइए आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है ना, फिर मैं भी पता करके बता सकता हूँ। कमलजीत जी, वेरी सॉरी कमलजीत कौर, सर आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फोर्थ टाइम, वेरी सॉरी, पता नहीं कैसे मिस हो गया होगा। तो आपका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन आपने पूछे हैं, आपका फर्स्ट है ग्रेजुएशन पढ़ा है इंग्लिश लिटरेचर, इसको मैं मान के चल रहा हूँ आपने इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है, ये हो गया गुड, और इकोनॉमिक्स है आपके पास दूसरा हो गया, और तीसरा आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है, आप लीजिए इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को प्लस कर दीजिए, ये बन गया आपका SST, साथ में लीजिए इंग्लिश, दोनों ही TGT के लिए आप एलिजिबल हो, आपको एडिशनल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाद में अगर आपका इंटरेस्ट है, मैं ये कह रहा हूं हर हालत में यही कॉम्बिनेशन रखिए क्योंकि सभी कॉलेज में अवेलेबल है, कॉलेज बेशक चेंज कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशन मत चेंज कीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। ये आपने लिखा भी है आई वांट गवर्नमेंट जॉब, दैट इज व्हाट, आपको दूसरी चॉइस ही नहीं है। बाद में बीएड करने के बाद आप इकोनॉमिक्स एडिशनल दे सकते हो, किसमें, बीएड में। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है ना ग्रेजुएशन में, तो आप इकोनॉमिक्स का बीएड में एडिशनल दे सकते हो। अच्छा हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री का बीएड में आप एडिशनल दे सकते हो। सर इकोनॉमिक्स के साथ किसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है सब्जेक्ट, BSc इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव टेक्निक पंजाबी, अभी वीडियो बनाया है इस पर देख लीजिए प्लीज, बड़ा अभी वीडियो बनाया है, नीचे लिंक दिया गया होगा, BSc इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव टेक्निक है। मैं इसलिए लेबल लगा देता हूं ऊपर के दूसरे लोग हैं जिनके रेलेवेंट वो वीडियो नहीं है वो मत देखें, उनको देखने की जरूरत नहीं है। मैं लिख देता हूँ, साइंस कैंडिडेट के लिए था, साइंस कैंडिडेट को देखें। तो दूसरा है ये, इस पर लिख दूंगा कि BSc इकोनॉमिक क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये है। आपने पंजाबी इंग्लिश तो जनरल पढ़ी होगी ना, कंप्यूटर इलेक्टिव है, यही है, तो वीडियो आप पर ही बना है। प्लीज प्राइवेट बेस्ट कॉलेज जलंधर एंड अमृतसर बता दो अंडर बनाए साइंस मैथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए बेस्ट आप किसको बोलते हैं, यहाँ लर्निंग है जहाँ पीटेट सीटेट की तैयारी है, फैमिली एनवायरमेंट है, हरास नहीं किया जाता, फीस के लिए मिसगाइड नहीं किया जाता है ना, तो रियल लर्निंग आपको फ्यूचर प्लेसमेंट के लिए, तो उसके हिसाब से जो जलंधर में है वो तो इनोसेंट हार्ट्स। इनोसेंट हार्ट्स क्यों बोला हूं मैं, क्योंकि इनोसेंट हार्ट्स ने पिछले जब ये कॉलेज की हिस्ट्री आप देखोगे तो इसका गोल्ड मेडल से ही शुरू हुआ है, और मेरिट पोजीशंस भी इसकी जो हाईएस्ट है इन यूनिवर्सिटी रहती है, मेरिट पोजीशन है, डिस्टिंक्शन है, तो साइंटिफिकली काम करते हैं, यहां मैंने टीच भी किया है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक। इसके अलावा आप लड़की हो तो आपके लिए दो और ऑप्शन है, खालसा कॉलेज है, ओके, MGN है, ठीक है, MGN, और ये सिटी के बीच है, आप देखिए ये बस स्टैंड के करीब है, खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लाइव खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो क्वालिटी वाइज इनको भी इनके साथ रखा जाए। ये जो फोन नंबर है डॉक्टर अरजिंदर सिंह, ये प्रिंसिपल इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज में ही है, तो इनसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, इन्हीं का नंबर है क्योंकि गाइड अच्छी तरह करते हैं, दैट इज वाई इनका नंबर मैं बार बार देता हूँ। नंबर क्यों दिया गया है, आप बाकी की जानकारी वहां से ले सकते हो, क्योंकि कई फैक्टर ऐसे होते हैं वो कॉलेज के आपके लिए सूटेबिलिटी बनती है, हो सकता है आपको इनोसेंट से ज्यादा कोई और पसंद हो, जैसे आपने नॉन अटेंडिंग वगैरह ऐसे कुछ करनी है ना, तो अब ऐसी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आप इनसे एक बार बात